गुड आफ्टरनून टू एवरीवन स्टूडेंट्स. कल हमने पांच नंबर पार्ट हाथी, ठीक है, इसके लेसन को पढ़ा था. ये लेसन पढ़ा था और इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. तो आज हम इसी पाठ के शब्द, कठिन शब्द, ठीक है, प्रश्न उत्तर, वाक्य बनाओ, ये सब करेंगे. ठीक है, अब मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ. आप सभी ध्यान से सुनना बेटा, और बाद में अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर करके जाऊंगी. ओके, अब ये जो लाइन लगा रहे हैं ना बच्चे, मेरे पास नेम आ रहा है और वो प्रब्जक्ट में उस बच्चे को डिलीट भी कर सॉरी रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, अब दोबारा नहीं होना चाहिए. हाँ जी, सबसे पहले है शब्द अक्सर. ठीक है, अक्सर इसका अर्थ है आमतौर पर, ऑफन. ठीक है, इंग्लिश में ऑफन कहते हैं, आमतौर पर, राइट. नेक्स्ट शब्द है गृह कार्य. गृह कार्य का अर्थ होता है स्कूल से मिलने वाला तथा घर से करके लाया जाने वाला काम. जैसे आपको काम मिलता है ना घर से करने के लिए, मैम सेंड करते हैं ना आपको कि आपका ये गृह कार्य है. हिंदी में होता है गृह कार्य, होमवर्क इंग्लिश में. ठीक है, होमवर्क को हम हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं. गृह का मतलब होता है घर, कि घर से करने वाला काम, कार्य, काम. नेक्स्ट है महावत. महावत हाथी को काबू में रखने वाला, एलिफेंट ड्राइवर. जो महावत होता है, जो हाथी के ऊपर बैठा होता है ना आदमी, उसको महावत कहा जाता है. ठीक है, जो हाथी को कहता है इधर को जाना है, इधर को जाना है, अब मुड़ना है ना, अब पीछे को जाओ, है ना. वो उसको, उन्होंने कोई कीज ही होती है जो उन्होंने रखी होती है, वो उसको जैसे करते हैं वो ऐसे आगे से घूमता जाता है, इधर को उधर को, राइट. उसको एलिफेंट ड्राइवर भी कहते हैं इंग्लिश में. आगे है हमेशा. हमेशा का मीनिंग है, अर्थ है सदा. इसके आगे है वर्तमान. वर्तमान का अर्थ है आजकल. नेक्स्ट है विशाल. विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा. ठीक है, बहुत बड़ा. बेबस होना. बेबस होना कुछ ना कर पाना. मीन्स जब आपको पता ना, जब हाथी का छठी बार दांत टूटते हैं तो क्या होता है, हाथी बेबस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है तूफान मचाना, बुरी तरह तोड़ फोड़ करना. आपको मैंने कल बताया था ना कि आपकी चैप्टर में भी लिखा हुआ था कि वैसे तो ये जो हाथी है शांत स्वभाव का होता है ना, इसकी आदत नहीं होती कि हर समय गुस्सा चढ़ना, है ना. बट जब कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाए कोई, इसको बहुत ज्यादा तंग करे, तो वह बहुत बुरी तरह तोड़ फोड़ भी करता है. ठीक है, आगे है गुजरना. गुजरना मीन्स निकलना. कई बार तुम कल मेरे पास से गुजरे थे, मीन्स कि तुम मेरे पास से निकले थे, है ना. आगे है वजन. वजन होता है भार, जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं. वेट, वजन, भार. नेक्स्ट है भाग. भाग मीन्स हिस्सा, पार्ट. ठीक है, जीवन काल, पूरे जीवन का समय. जीवन काल मीन्स की सारे जीवन, लाइफ टाइम. ओके, नेक्स्ट है मृत्यु. मृत्यु का अर्थ होता है मौत. मौत मीन्स डेथ. आगे है प्रसन्नता. प्रसन्नता खुशी. ठीक है, प्रसन्नता खुशी. ये शब्द थे. यस, आगे देखिए कठिन शब्द आ गए हैं. कठिन शब्द,
बेटा जब आप घर में कोई भी डिक्टेशन वगैरह करते हो ना, तो ये कठिन शब्दों की किया करो, ठीक है? जो कठिन शब्द हैं इनकी डिक्टेशन जरूर किया करो, श्रुतलेख जरूर करना है, ठीक है? ये मेन शब्द होते हैं जो टफ होते हैं थोड़े, वो फिर लिखने भी आ जाते हैं और उनका मीनिंग भी समझ आ जाता है, तो फिर आपको रीड करने में, बुक रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? अब है कठिन शब्द, नंबर वन है गृह कार्य। गृह कार्य का मीनिंग मैंने एक्सक्यूज आपको मी बताया ना, मैम, घर से काम करना। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभजोत मैम, जी मैम। यस यस मैम। मैम दिख रही है स्क्रीन? नो विजिबल? दया मैम, इट्स नॉट विजिबल। नो ओ ओके मैम, मैं दोबारा शेयर। यस श्योर। यस बेटा, हाँ मैम जी एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? बेटा, ये आपके मैथ वाले मेरे ख्याल 50 या 100 होंगे। ये आपके मैथ वाले टीचर बता सकते हैं। टन मेरा ख्याल 100 होता है मे बी, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना ये मैथ्स की है। मैम 10 केजी होते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब ऐसे है, एक्सक्यूज मी किसी मैम, को कोई क्वेरी है जो आज तक की है उसमें, तो आप मुझे एक्सक्यूज मी मैम, डिस्कस करो, डिस्कस कर सकते। मुझे ढुलाई का मतलब बेटा ढुलाई का मीनिंग होता है कि हाथी ढुलाई करता है किस चीज की, जैसे कोई भी चीज हम उसके ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, जैसे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं सपोज करो, है ना, तो वहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, तो लकड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी लट्ठे होते हैं, समझाया। तो वो उसके ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है, ये मैम ढुलाई होती है। ओके मैम, हाँ जी, हाँ। और लिट्ठो जैसे, का मतलब, यस बेटा, एक्सक्यूज मैम, जैसे आपने बोला कि कोई लोग हाथी को पालतू भी बनाते हैं, तो मैम जब हाथी बड़ा हो जाता है तो मैम वो तो मतलब बहुत टन खाता है, तो मैम फिर जिन्होंने हाथी को पालतू बनाया होता है तो फिर वो उसे खाना कैसे खिलाते हैं? खाना नहीं खिलाते वो, ये घास पत्ते ऐसी चीजें खाते हैं, है ना, मतलब मैम वो हाथी को फिर जंगल में छोड़ाते हैं जंगल में नहीं, साथ ही में रहते हैं बेटा, वो उसको मैम? रखते ही ऐसी जगह पे हैं कि जहां पे उसके खाने पीने वाला सामान प्रॉपर मिले, है ना, घरों में थोड़ी मैम रखा जाता है तो उनको, घरों उसको घरों मैम में। बेटा वेट, नहीं सभी इकट्ठे नहीं बोलेंगे ऐसे नहीं, पहले मुझे दाक्षी की बात का आंसर करने दो। हाँ जी लिसन दाक्षी, जैसे कि जो हाथी है, कभी घरों में देखा आपने पालते हुए किसी को? नहीं ना, तो वो ऐसी खुली एरिया में, ओपन एरिया में रखते हैं उनको, जहाँ पे उनको घास फूस और जो ट्री हो वहां पे बड़े बड़े, है ना, उनका खाने पीने का, उसका भूख का प्रबंध हो सके, और ऐसे घरों में थोड़ी ना रखते हैं, ओपन एरिया होता है वो। थैंक यू मैम। मैम कल पेटीएम होगी, मैम जब जब हमारी आपकी गली में पीटीएम आता होगी हमने तो तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आपको ग्रुप में मैसेज आएगा, राइट। दया मैम लिंक डाल रही हूँ मैं। ओके मैम, ठीक है, यस बेटा, मैम लिंक पेस्ट कर रही हैं और आपने उसको ओपन करके अपनी अटेंडेंस फिल करनी है, ठीक है।
हाँ जी बेटा, और कोई क्वेरी, कोई डाउट है आपको, आप क्लियर कर सकते हो। एक दो मिनट ही रहिए। हमने जो कविता की हुई है, एक सर्दी आई है ना, किस किसने रीड की है, किस किस को लर्न हो गई है, लर्न की है, बताना जरा मुझे। मैम मैंने की है। सतवीर कौर, वेरी गुड। चलो सतवीर कौर सुनाओगे मुझे, स्टार्ट करिए। वीडियो कैमरा स्विच ऑन करो। मैम कहना है, मैम सर्दी आई। बेटा आप बुक से देख के बोल रहे हो? नो मैम। बुक से देख के बोल रहे हो बच्चे? नो मैम। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहनने वर्दी आई, सबने लादे देर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं। धूप में भी दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में दौड़े तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी अंदर सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी, अंडे की जम जाए जर्दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी, सिर में सर्दी पैर में सर्दी, नो सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम दे दो। ओके, आपको पता है ये किसने लिखी है कविता, कवि कौन है, पता? नो मैम। इस कविता को सफदर हाशमी जी ने लिखा है, ठीक है? क्या नाम है? सफदर हाशमी। बेटा अब जो पॉइंट्स है ना, ये जो कविताएं हैं, इनके जो लिखने वाले हैं ना कवि, उनका भी आपने नेम लर्न करना है और लिखना आना चाहिए, ठीक है सभी को? हाँ जी, और किसको लर्न हो गई है? मुझे हो गई है। जो फर्स्ट है ना मायमा, वो भी आपको लर्न करनी है, ईश मेहमा भी लर्न करनी है आपको, ठीक है? ईश मेहमा भी लर्न करनी है। हाँ जी, कौन बोल रहा था मुझे याद है? हाँ जी बेटा बोलिए। स्टार्ट करो। लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, नहीं ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सिर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए सर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन।